हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे सेकेंड पार्ट को देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में बताया था हमने आपको, और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को समझाया था। क्लासिफिकेशन में आपको हमने मोनोसैकेराइड बताया था, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बताए थे, और डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल थे वो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज बताए थे। तो जो माल्टोज को हमने डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि उसको जब लास्ट थोड़ा टाइम बचा हुआ था तो हमने माल्टोज को डिफाइन कर दिया था। आज हम लैक्टोज को डिफाइन करेंगे। लैक्टोज को चलिए डिफाइन करते हैं। लैक्टोज क्या होता है? इसमें एक मॉलिक्यूलर, जो एक मॉलिक्यूल होता है वह ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होता है। यानी पहला मॉलिक्यूल जो होता है वह गैलेक्टोज का होता है और सेकंड वाला ग्लूकोज का होता है। इसमें गैलेक्टोज की फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम, जो गैलेक्टोज होता है उसकी फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एटम ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन के कार्बन एटम के साथ लिंक होता है। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसे बीटा 1.4 से सिंबलाइज किया जाता है। तो दोस्तों, लैक्टोज एक, इसमें टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी डाइसैकेराइड का एग्जांपल होता है। इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। गैलेक्टोज का जो पहला अणु होता है, यानी जो पहले फर्स्ट पोजीशन होती है, जो यानी गैलेक्टोज की जो फर्स्ट पोजीशन होती है वह ग्लूकोज के साथ जुड़ी होती है, यानी फर्स्ट पोजीशन फोर्थ पोजीशन के साथ जुड़ी होती है। इट इज़ सिंथेसाइज इन मेमोरी ग्लैंड, यानी मेमोरी ग्लैंड एक होती है उसमें यह सिंथेसाइज होता है, एंड हैंस इट ऑकर इन द मिल्क, एंड यह मिल्क में पाया जाता है जो लैक्टोज होता है। और लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना होता है? देखिए, लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसके फिगर को हम बता रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर को आपको हम बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। देखिए, एक आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीटा गैलेक्टोज में OH ऊपर होता है इधर, जो फोर्थ पोजीशन पर होता है, और H नीचे होता है। और जो बीटा ग्लूकोज होता है उसमें OH नीचे होता है, H ऊपर होता है। तो आपको सबसे पहले बीटा गैलेक्टोज रखना है। तो बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लीजिए दोस्तों, ऐसा है। फिर बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है, क्योंकि हम आपको स्ट्रक्चर साइकिल में आपको समझा चुके हैं। अब आप जो इसकी जो बीटा गैलेक्टोज है, इसकी फर्स्ट पोजीशन का जो OH है, यानी उसका H जो बीटा ग्लूकोज का जो फोर्थ पोजीशन पर OH लगा हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाकर H2O यानी जल के रूप में निकल जाएगा। और जो यहाँ पर बचा हुआ है O यानी ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ क्रॉस बॉन्ड बनाकर इसको स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देगी। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। देखिए, सबसे पहले आपने बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया, फिर बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के जो बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसकी फर्स्ट पोजीशन को आपने इसकी जो बीटा ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन के साथ बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन जो है 1.4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी। इस प्रकार से आप लैक्टोज के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, आप इसको एक बार कॉपी पर बना के देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने स्ट्रक्चर देखा जो बना हुआ है आपका लैक्टोज का। अब आपको हम समझाते हैं ग्लूकोज यानी सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। सुक्रोज ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ मिलकर बना होता है। इट इज़ सिंबलाइज्ड एज ए 1.2 यानी बीटा 1.2, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये राइप फ्रूट यानी जैसे कच्चे फ्रूट में पाया जाता है, जैसे पाइनएप्पल, शुगर कैन यानी गन्ना में पाया जाता है, एंड हनी यानी शहद में पाया जाता है।
बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यह पाया जाता है, और यह कैरेट रूट और सरगम रिच सोर्स ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज के लिए यानी कैरेट की रूट भी होती है आवश्यक, और इसमें पाइन एप्पल में भी पाया जाता है, शुगर केन और हनी में सुक्रोज पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद चलिए हम आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर को एक टेक्निक से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है वह वाला है। तो सबसे पहले आप अल्फा डी ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए दोस्तों, जो बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज में OH जो फर्स्ट पोजीशन पर OH लगा होता है वह ऊपर होता है, ये वाला OH वह ऊपर लगा होता है। अब आप अल्फा ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें OH नीचे की तरफ रखेंगे। तो आप अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पर बना के देख लें, एक बार पढ़ लें, एक बार याद कर लें। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, क्योंकि बीटा में OH ऊपर होता है तो फर्स्ट पोजीशन पर OH ऊपर लगा दिया, और बिल्कुल बीटा डी जो फ्रक्टोज है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, क्योंकि इसमें 5 स्टेप होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, पहला यहाँ से आ गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इसकी नंबरिंग की जाती है, फिफ्थ नंबरिंग होती है इसकी। तो आप इसकी जो ये वाली है इसकी कौन सी पोजीशन है, ये वाली इसकी सेकेंड पोजीशन होती है। फर्स्ट पोजीशन के साथ OH जो लगा हुआ है OH H के साथ बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा, जब H2O निकल जाएगा तो इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। देखिए ग्लूकोज यहाँ पर लगा हुआ है जो अल्फा डी ग्लूकोज है, फिर जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बन के, तो इस प्रकार से ये आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसमें आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे अगर, उसके बाद अपनी कॉपी पर दो बार एक बार बना कर देख लेंगे, आपको बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आपको हमने दो ही टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़े डिफ़िकल्टी हैं और इसमें स्ट्रक्चर भी बहुत दिए गए हैं। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, आप अपने रिवाइज कर लें, अपने नोट बना लें। उसके बाद इसकी एक लास्ट वीडियो और लाएंगे, जिसमें हम आपको इसके जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड में आपको बहुत से ग्लाइकोजन वाले जो और शुगर वाले जो स्ट्रक्चर हैं उसको समझा देंगे। आपका चैप्टर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करने के बाद हम आपको प्रोटीन चैप्टर समझा देंगे, साथ में ही पहला चैप्टर समझाने के बाद लिपिड को भी पढ़ा देंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो।